पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे आपके साथ। अब इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में तो कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। जैसे ये मैंने अभी यहाँ पर 5 एग्जांपल्स लिए हैं, उसके बाद मैं लूंगा हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, और साथ साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कराऊंगा जिसमें आपके थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, प्लस जो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं क्वेश्चंस लूंगा गेट के, यूजीसी नेट के, डीआरडीओ के, बार्क के, नीलेट एग्जामिनेशन के, जितने भी हमारे पास ये एग्जामिनेशंस आते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैं इन सभी एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको लूंगा और कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस की हेल्प से मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपके पास क्लियर करा दूं। अब जिन्होंने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं, आई होप दैट यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो इन द सीरीज। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो में को देखने से पहले मेरे पिछले जो दोनों वीडियोस हैं वो दोनों देख लें, बिकॉज अगर आप इस वीडियो से डायरेक्टली देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समझ में आप आ रहा हो लेकिन जो पीछे जो मैं कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूँ अगर आप वो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए इस वीडियो को समझना और भी आसान होगा। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है पिछले वीडियोस के बारे में तो एक रिकमेंडेशन ये भी है कि आप पिछले वीडियोस को स्पीड इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, 1.5 स्पीड पे या फिर 1.25 स्पीड पे। YouTube पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्लेयर है, जो बच्चे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए हुए हैं, हमारे प्लेयर के अंदर भी स्पीड इंक्रीज़ करने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हम लोग ये 5 क्वेश्चन को समझेंगे, इन 5 क्वेश्चन के बाद फिर मैं थोड़े से और अलग तरह के एग्जांपल्स लूँगा जिसमें हमारे पास रिकर्सिव प्रोग्राम्स भी होंगे और हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो सबसे पहला फंक्शन है ये काफ़ी इजी है, जिस इज जस्ट फॉर वार्म अप। अगर आप पिछले वीडियोज़ को पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए निकालना बहुत आसान होगा। देखो समझिए इसमें ये कैसे काम कर रहा है। हमारे पास 2 लूप्स हैं। अब आपको पता है कि आउटर फॉर लूप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है। ये जो आउटर फॉर लूप है हमारे पास, इस आउटर फॉर लूप कितनी बार रन होगा, ये आउटर वाला फॉर लूप रन होगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स। क्यों? बिकॉज इट इज रनिंग फ्रॉम 0 to n। तो पिछले बाहर वाला फॉर लूप सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ही रन होगा, लेकिन ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये आउटर वाले फॉर लूप के ऊपर डिपेंडेंट है। कहाँ पर डिपेंडेंट है? आप ये देख सकते हैं कि j की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रही है। j की वैल्यू जो डिपेंडेंसी है वो आउटर वाले फॉर लूप के ऊपर है। देखिए, j की इनिशियल वैल्यू है 1, तो j की वैल्यूज कैसे इंक्रीमेंट होगी? दिस इज j जो कि इनिशियली हमारे पास 1 है। 1 के बाद हम इस कंडीशन को चेक करेंगे वेदर j इज लेस देन इक्वल टू n और नॉट। 1 लेस देन इक्वल टू n है तो हम स्टार को प्रिंट करेंगे और फिर हम इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो जब पहली बार ये जब i की वैल्यू 1 है, देखिए जब i की वैल्यू 1 है तब ये जो लूप है ये कितनी बार रन होगा? इस केस में j की इंक्रीमेंटेशन आपकी सिर्फ 1 से होगी, तो j इंक्रीमेंट होगा 1, फिर j की वैल्यू होगी 2, फिर j की वैल्यू होगी 3, फिर j की वैल्यू होगी 4 एंड सो ऑन। उस केस में ये ऑर्डर ऑफ n टाइम्स रन होगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 हो जाएगी, देखिए i की वैल्यू अगर 2 हो गई आउटर फॉर लूप में, जिस समय पर i की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी तो j की जो इंक्रीमेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि j अब इंक्रीमेंट होगा 2 से। तो सबसे पहले j की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 5, उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड सो ऑन। तो j है वो 2 के इंक्रीमेंटेशन से रन हो रहा है, तो लास्ट में जब j की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी उस समय पर ये लूप रुक जाएगा। तो इस केस में ये लूप कितनी बार चला? ये लूप चला हमारे पास n बाय 2 टाइम्स। पहली बार j लूप चला था n टाइम्स, नेक्स्ट टाइम j लूप चलेगा n बाय 2 टाइम्स। अब जब तीसरा केस लेंगे, जब i की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, जब आउटर लूप में i की वैल्यू 3 हो जाएगी, उस केस में जो इनर लूप है j वाला, तो j की वैल्यू हमेशा 3 से इंक्रीमेंट होगी। तो इनिशियल वैल्यू जो j की होगी वो होगी 1, नेक्स्ट वैल्यू जो j की होगी वो होगी 4, अगली वैल्यू होगी हमारे पास 7, फिर 10 अप टू सो ऑन। तो इस केस में j लूप कितनी बार चलेगा? ये चलेगा n बाय 3 टाइम्स। फिर नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, उस समय पर j लूप की जो इंक्रीमेंटेशन होगी वो आपकी 4 से होगी, तो हमारे पास j लूप चलेगा 1, 5, 9 अप टू सो ऑन n बाय 4 टाइम्स। अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे जो मैक्सिमम i की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास n। When i is equal to n, उस समय पर j लूप चलेगा सिर्फ एक बार, दैट इज n बाय n टाइम्स। तो इन टोटल j लूप कितनी बार चला, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल j लूप कितनी बार चला तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता सकते हैं। तो j लूप कितनी बार चला, दैट इज n
plus n by 2 plus n by 3 plus n by 4 plus up to so on n divided by n. N divided by n. अब इस केस में यू कैन टेक n एज कॉमन पूरे में से आप n को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 अप टू सो ऑन 1 बाई n. अब देखिए मैंने जब वीडियोस की स्टार्टिंग की थी, जब मैंने सारे आपके वीडियोस कराए थे, उस समय पर मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेज लिखवाए थे जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मुलेज आपको लिखवाए थे, उसके अलावा मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मुलेज आपको कराए थे और उसी के साथ साथ मैंने आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्मुलेज आपको यहाँ पर करवाए थे. अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक प्रोग्रेशन है ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ही जे जो है वो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है. तो अगर आपको वो फॉर्मुलेज याद हैं जो मैंने आपको कराए थे तो आपके लिए इसको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा. तो मैंने आपको बताया था अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इस केस में इसकी वैल्यू होती है विच इज़ वेरी क्लोज एंड कॉन्ग्रुएंट टू लॉग एन, तो ये हो जाएगा एन इंटू लॉग एन. तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी वो है ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग एन, करेक्ट. तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ही इजी है, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम कर रहा है. नेक्स्ट केस आप देखिए यहां पर क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 3, आई प्लस प्लस. तो अगर मैं इसमें सिर्फ ये देखता हूं कि आउटर लूप कितनी बार चलेगा तो आउटर लूप चलेगा ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 3 टाइम्स. अब अगर मैं यहां पर देखता हूं कि इनर लूप कितनी बार चलेगा, देखिए इस वाले केस में इनर लूप की कोई भी जो डिपेंडेंसी है वो आउटर लूप में नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस केस था यहाँ पर इनर लूप की डिपेंडेंसी आउटर लूप में थी, लेकिन इस केस में इनर लूप की कोई भी डिपेंडेंसी आउटर लूप में नहीं है. अगर आपके पास आउटर लूप में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इनर लूप खुद में कितनी बार चलेगा, ये चलेगा हमारे पास एन डिवाइड बाई 4 टाइम्स. लेकिन आउटर लूप की वजह से इनर लूप टोटल कितनी बार चलेगा, वो चलेगा हमारे पास इस केस में एन बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एन बाई 4 विच इज इक्वल टू एन बाई 12 टाइम्स, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज जो 12 है वो एक हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है. ध्यान दीजिए यहाँ पर वो हमने जब बेसिस यहाँ पर लिए, जैसे कि पहली बार एन बाई 2 चला, फिर एन बाई 3 चला, फिर एन बाई 4 चला, जब आप इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये एन लॉग एन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो चला है वो एन बाई 12 टाइम्स चला है और एन बाई 12 के केस में 12 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये जो लूप है हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चलेगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है काफ़ी इजी फंक्शन है, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर n की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है. आई होप जितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए. मेरे इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपकी नोटबुक में इसका आंसर ज़रूर होना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ उसको कराने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो. अगर मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए चुटकी और खेल, आराम से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए हमारे पास है इंटीजर i इज इक्वल टू 1, फिर हमने एक वाइल लूप लिया वाइल i इज लेस देन n, और इस लूप को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय i. अगर मैं सिर्फ इस आउटर लूप की बात करता हूँ तो ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा, मुझे आंसर चाहिए सभी से. आउटर लूप कितनी बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स दिस आउटर लूप, दिस आउटर वाइल लूप इज गोइंग टू रन, आई नीड आंसर फ्रॉम यू. सो ये जो आउटर लूप चलेगा ये चलेगा हमारे पास लॉग एन टाइम्स. कितनी बार चलेगा ये आउटर लूप, लॉग एन टाइम्स. ऐसा क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि आउटर लूप की जो इंक्रीमेंटेशन है वो 2 से हो रही है. जैसे पहले अगर आई की वैल्यू 1 थी तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2 रेस्ट पावर 4. इस तरीके से अगर आप आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो आप बता सकते हैं कि वाइल लूप मैक्सिमम कब तक चलेगा, 2 रेस्ट पावर के. ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. अब आप चेक कर सकते हैं कि आउटर लूप जो है वो लॉग एन टाइम्स चलेगा. लेकिन सर ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, सर सर आप बता सकते हैं सर ये इनर लूप कितनी बार चलेगा. देखो जो जे है, जे की इनिशियल वैल्यू है हमारे पास एन, जे की इनिशियल वैल्यू है हमारे पास एन. अब ये लूप चलेगा जे ग्रेटर देन 0, ये वाला एग्जांपल भी मैं आपको करा चुका हूँ. इस एग्जांपल में हमने चेक किया था इनिशियल वैल्यू जे की होगी एन, बिकॉज ऑफ दिस जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जे की नेक्स्ट वैल्यू होगी एन डिवाइड बाई 2. अगली वाली वैल्यू जे की क्या होगी, दैट विल बी एन डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. फिर नेक्स्ट वैल्यू जे की क्या होगी, दैट विल बी एन डिवाइड बाई 2 क्यूब. इस तरीके से
जो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लूप कब तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू n डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर k नहीं हो जाती। जिस केस में 2 रेस्ट पावर k n से बड़ा हो जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और j हमारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में आप बता सकते हैं लूप कितनी बार चला, ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो इस केस में ये जो जे लूप है कितनी बार चला सर? सर ये जे लूप चला ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स। तो आउटर लूप किसे, इनर लूप कितनी बार चला सर? दैट इज लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन, जिसको आप कह सकते हैं लॉग स्क्वायर एन। तो इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो लॉग एन होल स्क्वायर, जिसको आप ये भी कह सकते हैं लॉग स्क्वायर एन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में मुझे एक आंसर देंगे। देखो कैसे करते हैं सर, बहुत इजी है। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो ये जो आउटर लूप हमारे पास है ये कितनी बार चलेगा सर? ये चलेगा ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। कितनी बार चलेगा? ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। फिर जो अंदर वाला लूप है ये हमारे पास है इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन i इंटू i एंड j प्लस प्लस। अब ये जो हमारे पास अंदर वाला लूप है यहाँ पर i कैसे हो रहा है? i मल्टीप्लाइड बाय i। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस केस में ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये कितना टाइम चलेगा सर? ये n इंटू n टाइम्स चलेगा, विच इज n स्क्वायर टाइम्स। अब जो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे पास ये क्वेश्चन है कि ये जो थर्ड लूप हमारे पास है, जो तीसरा हमारे पास फॉर लूप है, ये फॉर लूप इस लूप के ऊपर डिपेंडेंट है एज वेल एज सबसे बाहर वाले लूप के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग एक तो यहाँ पर मॉडुलस कर रहे हैं, मॉडुलस j, मॉडुलस i। देखो इसका निकालना बहुत ईजी था, इसके लिए भी बहुत ईजी है, बट क्या आप बता सकते हैं कि जो सबसे अंदर वाला फॉर लूप है ये कितनी बार चलेगा सर? देखो जो सबसे अंदर वाला फॉर लूप है जब भी ये लूप चलेगा तो ये i k इज ऑलवेज लेस देन j, और जो j की वैल्यूज है वो i के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर ये वाला जो लूप चलेगा ये चलेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो प्रॉपर लॉजिक है वो लॉजिक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर दें। आप मुझे बताएं कि इस केस में ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम क्यों चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, अगले वीडियो में मैं इसके लॉजिक को भी कवर करूंगा। इस समय पर नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर सिर्फ मेरा दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग जो है वो आपको भी लगाना पड़ेगा, अगर सब कुछ ही मैं बता दूंगा तो उसका क्या फ़ायदा है सर? करेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व करें। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो पूरे फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? दैट इज n इंटू n स्क्वायर ऑफ दिस इंटू n स्क्वायर ऑफ दिस, विच इज टोटल ऑफ n रेज टू पावर 5, n रेज टू पावर 5। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मेरे निकालने से पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए। बिफोर इवन वॉचिंग द सॉल्यूशन आई वॉन्ट यू टू राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में सॉल्यूशन लिखो और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखो। हर एक वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पहले आप निकालो, फिर देखो कि वीडियो में हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है, ताकि इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इंटीजर n, इंट सम इज इक्वल टू 0, फॉर इंटीजर i इज 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सर इफ i इज ग्रेटर देन j तो क्या होगा सर? देखो सर यहाँ पर मैंने j को कहीं लिखा ही नहीं है, j को मैंने कहीं गिवन ही नहीं है। तो अगर j को कहीं गिवन ही नहीं है तो बिना उसके बिना दिमाग लगाए कैसे सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो ऑलवेज आइडेंटिफाई कि किस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, किस क्वेश्चन में कुछ राइट है, ठीक है, फिर आप उसको आगे देखें। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज एक्चुअली रॉन्ग, मैंने इसको गलत लिखा था फ्रॉम द नोटबुक जहाँ से मैंने इसको राइट डाउन किया है, ये क्वेश्चन वहाँ पर गलत गिवन है। तो इसके लिए बिकॉज जे जो है वो वहीं पर कहाँ कहीं पर डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस समय पर हम नहीं निकाल सकते बिकॉज वी डोंट नो कि जे कितना होगा। लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ, अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये वाला इफ कंडीशन हमारे पास है ही नहीं, ये वाली जो इफ़ कंडीशन है ये हमारे पास है ही नहीं, ये कुछ और हो सकता है, जैसे कि वाइल लूप हो सकता है, कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर ये इफ़ कंडीशन हमारे पास है ही नहीं तो हमें पता है कि जो आउटर लूप है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चलेगा, और जो इनर लूप है अगर ये इफ़ कंडीशन है नहीं तो हमारे पास ये इनर लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जीरो से लेकर एन तक। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, तो ये कितना चलेगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो जिस बुक से मैंने इसको नोट डाउन किया था वहाँ पर ये रॉन्ग गिवन है,
तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में भी. तो मैंने जैसे इसको यहाँ से इफ़ कंडीशन को हटाकर मैंने इसको सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में इसको सॉल्व कर दिया है. अब हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था. अब इसके बाद मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं सॉल्व करता हूँ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आई विल सॉल्व सम रिकर्सिव फंक्शन. तो अब ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रिकर्सिव फंक्शंस को देखते हैं और रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझेंगे और साथ साथ में मैं उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है और दोनों को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं. तो अभी मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ रिकर्सिव फंक्शंस और नॉन रिकर्सिव फंक्शन एक प्रॉब्लम को लूँगा, उसको रिकर्सिव से भी सॉल्व करूँगा और नॉन रिकर्सिव से भी सॉल्व करूँगा, दोनों से सॉल्व करके बताऊँगा कि वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी. तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम दोबारा से मिलते हैं. तो अब तक हमने अपने वीडियोस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब के अंदर हमने नॉन रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखा था और नॉन रिकर्सिव फंक्शंस के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए. आगे आने वाले टाइम में मैं और भी एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ, लेकिन अब ये टाइम आ गया है जब हमें रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है. ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, आई मीन 99 आई कैन नॉट से, बट ऐसा हो सकता है कि 40-50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको जिन्होंने पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ी होती है, उनको रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आती है. 40-50 इज़ अगेन ए बिग नंबर, बट जितना मैंने इमेजिन किया है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने क्लासरूम के अंदर एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से, पिछले मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, अब मुझे लगभग 4-5 साल हो गए हैं, 5 सालों से मैं गेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले काफ़ी सालों से मैंने ये नोटिस किया है कि जो बच्चे पहले भी कोचिंग ले चुके हैं या जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, नॉन रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इश्यूज़ नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर सबको जो इश्यूज़ हैं वो रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही आते हैं. उनको ये नहीं पता होता कि रेकरेंस रिलेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करें. अब यहाँ पर जो रिकर्सिव फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको एक रेकरेंस रिलेशन की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं और वो रेकरेंस रिलेशन एक आपका जो मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो उसका भी पार्ट है. तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आप रेकरेंस रिलेशन को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर भी हम रेकरेंस रिलेशन की एक फॉर्म को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं. लेकिन साथ साथ में अगर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है रेकरेंस रिलेशन की तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं फॉर रेकरेंस रिलेशन. बट एक फॉर्म ऑफ रेकरेंस रिलेशन मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूँगा. यहाँ पर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा कि जिससे आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपका जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या फिर ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली निकाल सको. हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और इन डेप्थ जाने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ गो एंड वॉच माय वीडियोस और ऑन रेकरेंस रिलेशंस इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या फिर मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोज़ को भी मैं हिंदी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूँगा. तो आगे आने वाले कुछ टाइम में जो मेरे वीडियोज़ आएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, उसके अंदर मैं रेकरेंस रिलेशन टॉपिक को भी हिंदी में ही कवर करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर भी आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो. ठीक है, अब रेकरेंस रिलेशन में मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको समझा सकूँ. पहले एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लूँगा, द ईजिएस्ट एग्जाम्पल्स पॉसिबल, और फिर उन ईजी एग्जाम्पल को लेने के बाद पहले मैं उनसे डिफ्रेंशिएट करूँगा कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है और जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है. क्योंकि जब हम रिकर्सिव फंक्शंस की बात करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शंस टेक्स मोर स्पेस एज कम्पेयर टू नॉन रिकर्सिव फंक्शन. नॉन रिकर्सिव फंक्शन में मोस्टली जो स्पेस है वो कॉन्स्टेंट होती है या फिर लीनियर स्पेस यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो नॉन रिकर्सिव फंक्शंस हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज होती है इन टर्म्स ऑफ देयर रिकर्सिव कॉल्स. तो सबसे पहले मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ फॉर फैक्टर ऑफ अ नंबर. अगेन मैं इसको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस. हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर करने वाले हैं. अब देखो गाइज, इजी एग्जांपल लूँगा, बहुत ही ईजी एग्जांपल लूँगा. पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दैट इज अबाउट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. फैक्टोरियल ऑफ ए
नंबर। इस प्रोग्राम को हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इसका रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव वर्जन, हम दोनों चीज़ पहले भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आप किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है मैथमेटिकल डेफिनेशन, अगर मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, अगर वो नंबर n है तो उसका फैक्टोरियल क्या होता है सर, फैक्टोरियल इज वन इफ n इज लेस देन और इक्वल टू वन, इट इज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन अदरवाइज। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब इसके लिए रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों तरह के प्रोग्राम्स पॉसिबल है। रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे होगा, इंटीजर फैक्ट विथ इंटीजर n, उसके बाद इफ n इज लेस देन और इक्वल टू वन देन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न, सो आर शुड बी स्मॉल, सो एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, अदरवाइज आप रिटर्न कीजिए n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। नाउ वन नॉन रिकर्सिव फंक्शन, इंटीजर फैक्ट ऑफ इंटीजर n, आई टेक अ वेरिएबल i एंड फैक्ट i एंड एज्यूम फैक्टो, सो आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स एज्यूमिंग दैट दिस फैक्टो इज इक्वल टू वन। सो व्हाट हैपेंस नाउ, फॉर i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट मेक इट फैक्टो is equal to, actually it should be 1 not 0, so I should be starting from 1, so facto is equal to facto multiplied by I, and after this I am just going to return the value of facto, so it should be return facto, so I just return the factorial of this number. Ab dekhiye jo pehla case hai hamare paas, pehla jo hamare paas ye नॉन रिकर्सिव, पहला जो हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन है, इस फंक्शन के केस में जब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे तो वो सभी रिकर्सिव कॉल स्टैक की फॉर्म में सेव होगी। अब इस वाले फंक्शन में रिकर्सिव कॉल्स नहीं होने वाली, तो यहाँ पर जो बिकॉज रिकर्सिव कॉल नहीं होने वाली तो यहाँ पर जो भी स्पेस यूटिलाइज्ड होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। अब आप जानते हैं जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के अंदर जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, अगर उस प्रोग्राम के अंदर रिकर्सिव कॉल्स है वो स्टैक यूटिलाइज होगा। तो इस केस में हमारे पास जो स्पेस यूटिलाइज होगी वो हीप की फॉर्म में होगी। हीप का मतलब जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है इनसाइड द फंक्शन, या फिर जो पूरे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो अलग से स्टोर होता है। ओके, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज भी करा देता हूँ आपको। देखो, जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम में वो प्रोसेस के अंदर जब मेमोरी एलोकेट होती है तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर ए डॉट आउट एग्जीक्यूटेबल कोड है, वो वहाँ पर स्टोर होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इन दोनों को मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होती है। और स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग स्पेस है, इस स्पेस पर हीप एंड स्टैक, ये दो चीज़ें हैं जो इस पूरी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। अब जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे या स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, और जो हमारे पास ऑटो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये है हमारे पास ऑटो वेरिएबल है, तो ऑटो वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप्स के अंदर होती है, बिकॉज हीप्स के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट करना इस केस में बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर जो भी मेमोरी एलोकेट होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई रिकर्जन नहीं है तो स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट होगी वो आपको हीप्स के अंदर मेमोरी एलोकेट हो सकती है या फिर इस एरिया में मेमोरी एलोकेट हो सकती है, लेकिन एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होगी वो स्टैक के अंदर भी होगी। अब इस पहले केस में आप देखो, इस पहले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ईजी है सर। देखो सर, इस पूरे केस में इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम टू एग्जीक्यूट द पहली स्टेटमेंट। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, द सेकंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस फॉर लूप विल एग्जीक्यूट अ टोटल ऑफ ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, सो इट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। आफ्टर रीडिंग द एंटायर प्रोग्राम यू कैन फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n,
Then what is the space complexity, sir? Sir, what is the space complexity, sir? So space complexity, what will be the space complexity in this case? You can see we are using space for the variable I. We are using space for the factorial. So we are, let us say it is 4 bytes of space. Let us again, this is 4 bytes of space. Sir, we are using space only in the variable, sir, which is a constant space. So space is not at all changing according to the size of input. Yani ki input aap kuch bhi do. Chahe aap 5 ka, 5 ka factorial nikal rahe hain, chahe aap 1000 ka factorial nikal rahe hain, chahe aap 1 lakh ka factorial nikal rahe hain. Aap kisi bhi number ka agar factorial nikalenge, sir, to space jo bhi utilize hogi, वो स्पेस चेंज नहीं होगी. तो स्पेसेस यहाँ पर चेंज नहीं होगी, स्पेसेस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, स्पेस हमेशा कांस्टेंट है. तो इस पूरे केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन है, क्योंकि स्पेस जो है इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही. देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम जब भी मेजर करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, स्पेस जो टाइम है वो इनपुट n इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसलिए तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं. अगर आपकी स्पेस भी इनपुट साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो कि कितने साइज का इनपुट दे रहे हो, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन नहीं रहेगी, उस केस में हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे आने वाले प्रोग्राम में समझ आ जाएगा. डोंट वरी, माइंड नहीं करने का, आगे चलने का. देखो अब हमारे पास क्या है, रिकर्सिव फंक्शन. अब रिकर्सिव फंक्शन में देखो ये जो फैक्ट इंटीजर n है, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हम कॉन्स्टेंट टाइम भी कह सकते हैं. लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में हमेशा रिकर्सिव कॉल्स होने वाली है, हमेशा रिकर्सिव कॉल्स होंगी. जैसे कि देखो जब आप इस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास स्टैक है, ये आपके पास स्टैक है. इस स्टैक के अंदर जब हमने पहले मेन फंक्शन कॉल किया तो पहले इनिशियली स्टैक में मेन फंक्शन की कॉल आएगी. अब लेट अस से वी वांट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 4, तो मेन फंक्शन से हमने कॉल किया कैन यू गिव अस द फैक्टोरियल ऑफ 4. तो फैक्टोरियल ऑफ 4 जब इस फंक्शन को पास करेंगे तो ये फंक्शन भी, इसका जो प्रोग्राम काउंटर है मेन फंक्शन का, वो स्टैक में चला जाएगा, उसका स्टेटस स्टैक में स्टोर हो जाएगा. और जब इस फंक्शन को कंट्रोल पास होगा तो ये फंक्शन भी हमारे पास स्टैक में आएगा, हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4. अब जब हम फैक्टोरियल 4 को कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में लाइन नंबर 1 इवैल्यूएट नहीं होगी, लेकिन लाइन नंबर 2 जो है उस केस में आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. सो इट विल से आई एम 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, कि मैं हूँ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. तो हम फिर से एक और रिकर्सिव कॉल करेंगे जो कि होगी हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 3. अब फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, सर? दैट इज 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2. सर मैं 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 होऊंगा. तो फैक्टोरियल ऑफ 2 की एक और रिकर्सिव कॉल होगी, सर, तो क्या होगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1. अब इस केस में फैक्टोरियल ऑफ 1 की एक और रिकर्सिव कॉल होगी, सर. फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 जब हम कॉल करेंगे तो ये बोलेगा कि सर मेरी तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, सर. तो फैक्टोरियल ऑफ 1 जो है इसकी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, सर. अब इसकी जब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी तो ये बोलेगा कि सर आई एम गोइंग टू रिटर्न 1. अब ये स्टैक से बाहर निकलेगा, इट विल पास द वैल्यू 1 हियर. तो इस वाले फैक्टोरियल को वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये बोलेगा सर आई एम 2 इंटू 1, सर. तो ये यहाँ से निकलेगा, अब ये 2 इंटू 1 यानी कि वैल्यू 2 को यहाँ पर पास करेगा. अब ये बोलेगा सर आई एम 3 इंटू 2, सर. तो ये बोलेगा कि मेरी वैल्यू तो 6 है, सर. तो ये 6 वैल्यू यहाँ पर पास होगी. अब बोलेगा सर आई एम 4 इंटू 6, सर. यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 24. अब ध्यान दो, फैक्टोरियल ऑफ नंबर F4 इसने भी कैलकुलेट किया, फैक्टोरियल ऑफ 4 इसने भी कैलकुलेट किया. अब यहाँ पर टोटल कितनी रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, सर? देखो टोटल कितनी रिकर्सिव कॉल हो रही है, सर? जितनी आपकी नंबर है उतनी ही रिकर्सिव कॉल्स होंगी. फैक्टोरियल 4 में 1, 2, 3, 4 चार रिकर्सिव कॉल, फैक्टोरियल 5 में 5 रिकर्सिव कॉल, फैक्टोरियल 6 में 6 रिकर्सिव कॉल्स, फैक्टोरियल 7 में 7 रिकर्सिव कॉल. तो जितने भी आप n पास करोगे उतनी ही रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं. तो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स इस केस में इस n के केस में n रिकर्सिव कॉल्स है ना. और ये जो पूरा कोड है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पर भी क्या है, फॉर लूप के अंदर जो पूरा कोड है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये यहाँ पर n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी फॉर लूप के अंदर इस केस में वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. उसी तरीके से जहाँ पर जब रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, उस केस में भी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्टेटमेंट्स सर n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, सर.
सर यस सर एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो अगर आप फैक्टोरियल ऑफ एन निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट टोटल एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, क्यों, क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स एन टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी सर. लेकिन सर व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अ गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. देखो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ वन, अब यहाँ पर हम कितना स्पेस यूज कर रहे हैं सर, स्टैक के अंदर हर एक रिकर्सिव कॉल को स्टैक के अंदर स्टोर करना है, रिकर्सिव कॉल स्टैक के अंदर स्टोर, फैक्टोरियल ऑफ 1000 स्पेस, 1000 रिकर्सिव कॉल्स इन द स्टैक, सो फॉर एवरी रिकर्सिव कॉल यू आर स्टोरिंग सम डेटा ऑन टू द स्टैक, करेक्ट. तो जितना इनपुट का साइज है उतनी स्पेस आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ जो स्पेस आप यूज कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू आर यूजिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टैक, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू आर यूजिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टैक, करेक्ट. सो स्टैक के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ वन. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ वन. तो अगर मैं इन दोनों प्रोग्राम को एनालाइज करता हूँ, एक मेरे पास है नॉन रिकर्सिव फंक्शन, एक मेरे पास है रिकर्सिव फंक्शन, सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बोथ आर टेकिंग सेम टाइम सर, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ये कम स्पेस ले रहा है, तो कौन सा अच्छा है सर, कौन सा अच्छा है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है. क्यों सर, ये तो कम स्पेस ले रहा है सर, करेक्ट. तो ये बिल्कुल, अगर ये कम स्पेस लेगा ये ज़्यादा स्पेस लेगा, तो ऑब्वियसली अगर मुझे चॉइस दी जाए कि सर कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ, मैं तो इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, मैं इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ. तो ये था हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. सर टॉपिक खत्म नहीं, अभी नहीं हुआ टॉपिक खत्म, आप मेरे साथ रुकिए, मैं इसको एक बार बोर्ड को रब करता हूँ. अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर, इससे थोड़ा स्लाइटली बेटर प्रोग्राम है. मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं आपको लिए एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लेकर आऊँगा, या फिर मैं आपके लिए एक बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च. ओके, तो मैं पहले एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम आपको ऑलरेडी पता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सर्चिंग करने में लीनियर सर्च से कितना टाइम लगता है, फिर आपका बाइनरी सर्च में मैं आपको बताऊँगा कि बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगता है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेज़र करते हैं. ध्यान देना, वो बहुत ही आसान प्रोग्राम है, समझने के लिए ईजी है, लेकिन उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के केस में. तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर दोबारा से वापस आता हूँ. अब देखो यहाँ पर हम एक बाइनरी सर्च करेंगे और बाइनरी सर्च में एनालाइज करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, और साथ साथ में एक लीनियर सर्च का भी मैं आपको प्रोग्राम लिखूंगा. पहले मैं समझाता हूँ कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और फिर दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं निकालूंगा और उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है. अब देखो जो लीनियर सर्च है वो अनसॉर्टेड अरे में लग सकता है, लेकिन बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे में ही लगेगा. बाइनरी सर्च के दो वेरिएंट्स हैं, या तो आप उसका नॉन रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट नॉन रिकर्सिव तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर एक रिकर्सिव तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर रिकर्सिव तरीके से इंप्लीमेंट करूँगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करूँगा. पहले लीनियर सर्च. देखो सर्चिंग में जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है, सर्चिंग में जो सबसे पॉपुलर टेक्निक्स है, सबसे पहली है हमारे पास लीनियर सर्च और दूसरी है हमारे पास बाइनरी सर्च. We have linear search and the binary search. So linear search, the famous linear search and the famous binary search. अब देखिए आपके पास एक अरे है, ठीक है, इस अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं. लीनियर सर्च में इट कैन सर्च इन सॉर्टेड अरे एज वेल एज इट कैन ऑल्सो सर्च इन अनसॉर्टेड अरे, यानी कि ऐसा अरे जो सॉर्टेड नहीं है. और बाइनरी सर्च है, इसको आप एक सॉर्टेड अरे में ही लगा सकते हैं, आप इसको अनसॉर्टेड में नहीं लगा सकते. तो ये अनसॉर्टेड में एप्लीकेबल नहीं होता है, अनसॉर्टेड में हम बाइनरी सर्च लगाते ही नहीं हैं, लगा ही नहीं सकते सर. समझ आया. अब देखो सर, देखो लीनियर सर्च कैसे करते हैं. हमारे पास एक अरे हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं. अब ध्यान देना, इस चीज़ को हमेशा नोट करना, जब आप बुक पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स की और जब आप बुक पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, तो एक फंडामेंटल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. अपने वीडियोस में मैं उसको काफ़ी जगह पर यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए. आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी डिफरेंस को यूज़ करूँगा, जिस केस में मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो उस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकता हूँ. कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, सी लिखा, सी प्लस प्लस लिखा, जावा लिखा, .NET लिखा, अब जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर अरे की इंडेक्स लोकेशन 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0 से लेकर n-1 तक.
ठीक है, तो अरे की इंडेक्स लोकेशन 0 से स्टार्ट होगी, लास्ट इंडेक्स लोकेशन n माइनस 1, जैसे कि अगर अरे का साइज फिक्स 5 है तो इंडेक्स लोकेशन होगी 0 से लेकर 4 तक, अरे का साइज 10 है तो इंडेक्स लोकेशन होगी 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जब हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं, इन केस ऑफ एल्गोरिथम्स जो इंडेक्स लोकेशंस हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं फॉर सिंपलिसिटी पर्पजेज, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एल्गोरिथम का मतलब है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना अभी हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता एल्गोरिथम में, इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, पर स्टेप्स ज़रूर बताओ। तो एल्गोरिथम में क्या होगा, इंडेक्स लोकेशन स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन एन, तो लास्ट इंडेक्स लोकेशन एन। अगर आपका साइज 6 का अरे है तो एल्गोरिथम में इंडेक्स लोकेशन 1 से लेकर 6 तक होगी, ये आप समझो। अब जब मैं लीनियर सर्च करता हूँ तो लीनियर सर्च का अगर मैं एल्गोरिथम लिखता हूँ तो कैसे होगा सर, सर जी कैसे होगा सर, सर बहुत ईजी है सर, परफॉर्म लीनियर सर्च ऑन एन अरे ए विद एन एलिमेंट्स, और जो डेटा आपको सर्च करना है तो पास द डेटा ऑल्सो। ठीक है, एल्गोरिथम केस में हम इस साइन को यूज़ नहीं करते, बट ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साइन यूज़ कर लिया है कि ए एक अरे है, लेकिन जनरली आप बुक में पढ़ेंगे तो इस एल्गोरिथम जो हम लिखते हैं यानी कि सूडो कोड लिखते हैं स्पेशली, तो सूडो कोड में हम ये अरे का साइज यहाँ पर यूज़ नहीं करते, हम बताते हैं कि हम इसको अरे पास कर रहे हैं और एन पास कर रहे हैं और डेटा पास कर रहे हैं। सिंपल इसमें एक हम लूप लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1 to n, यानी कि हम एक आई को 1 से लेकर एन तक चलाएंगे, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू डेटा, यानी कि किसी इंडेक्स लोकेशन पर अगर हमें वो डेटा मिल जाता है, अगर किसी इंडेक्स लोकेशन पे हमें वो डेटा मिल जाता है तो रिटर्न द इंडेक्स लोकेशन, रिटर्न आई, रिटर्न आई। अगर आपको डेटा नहीं मिलता पूरे सर्चिंग के बाद भी, आप बोलेंगे रिटर्न माइनस 1 कि सर जी हमें तो डेटा मिला ही नहीं। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, और ये कौन सा प्रोग्राम है सर, ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। तो सर ये लीनियर सर्च कितना चला लीनियर सर्च 1 से लेकर n तक, तो फॉर लूप चलेगा ऑर्डर ऑफ n। अब इस केस में पहली चीज आप मुझे बताओ कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आप मुझे बताओ यहाँ पर बेस्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और एवरेज केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो बेस्ट केस का मतलब है कि आप डेटा सर्च कर रहे हो, और सबसे अच्छा केस तब बनेगा जो डेटा है आपको पहली इंडेक्स लोकेशन में ही मिल गया, यानी कि आपने सर्चिंग स्टार्ट करी आई इक्वल टू 1 हुआ और आई इक्वल टू 1 में आपको डेटा मिल गया, तो बेस्ट केस में क्या है कि पहली इंडेक्स लोकेशन में ही आपको डेटा मिल गया, तो बेस्ट केस क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा ऑफ वन, यानी कि पूरे अरे में सर्च किया पहली लोकेशन पे डेटा मिल गया, तो सर जी सर्च करने की ज़रूरत ही क्या है सर, आगे लूप चलाने की ज़रूरत ही क्या है सर, अगर आगे लूप नहीं चलाएंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा ओमेगा ऑफ वन। अब वर्स्ट केस क्या है कि आपने पूरे अरे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सर्च किया, यानी कि पूरे अरे के अंदर पूरी मेहनत करी आपने, एक मजदूर की तरह हर एक इंडेक्स लोकेशन पर गए, हर एक दरवाज़ा खोला और पूछा क्या आपके पास वो डेटा है, उसने बोला नहीं सर डेटा नहीं है सर। अगर उस पास डेटा नहीं है तो आपने क्या किया, हर एक इंडेक्स लोकेशन पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गए, हर एक इंडेक्स लोकेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गए, जब आप हर एक इंडेक्स लोकेशन पर गए तो वर्स्ट केस में टाइम कितना लगा सर, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। ध्यान दो यहाँ पर मैंने ऑर्डर यूज़ किया है बेटा, यहाँ पर मैंने ओमेगा यूज़ किया है बेटा, तो वर्स्ट केस में टाइम कितना लगा, ऑर्डर ऑफ एन। अब एवरेज केस क्या है सर, एवरेज केस क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो एवरेज केस क्या है, एवरेज केस का मतलब क्या है कि आप हर एक केस को लो, जो भी पॉसिबल केस हो सकती है वो सबके एवरेज लो। देखो पहला केस आपने इस मतलब टेस्ट कर रहे हैं, इस पूरे लीनियर सर्च को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, हर एक पॉसिबल केस को लेकर एवरेज निकाल रहे हैं उसकी, वो होता है हमारा एवरेज केस। समझ में आया आपको, देखो पहला केस क्या है, केस वन क्या है कि आपने डेटा सर्च किया और पहली इंडेक्स लोकेशन में मिला, तो उस केस में लूप कितनी बार चलेगा, लूप एक बार चलेगा, तो लूप हमारे पास चला एक बार। नेक्स्ट केस टू, अगर डेटा जो सर्च कर रहे हो सेकंड इंडेक्स लोकेशन पे है तो लूप कितनी बार चलेगा सर, ये लूप आपका 2 बार चलेगा। केस थ्री, जब आप डेटा थर्ड इंडेक्स लोकेशन पर, लूप 3 बार चलेगा। उसी तरीके से केस जब डेटा आपका लास्ट इंडेक्स लोकेशन एन पर है तो लूप एन टाइम चलेगा। तो हमने जितने भी केसेस लिए
हर एक केस का चेक करो कि हर एक केस में लूप कितनी बार चल रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + up to so on n, उसको डिवाइड कर दो n से. ये क्या है कि हमने एवरेज ले ली, n बार टेस्ट किया. देखो सर एवरेज निकालते हैं, n बार टेस्ट किया और सबकी एवरेज निकाल दी. जैसे कि देखो बहुत ही ईजी है, आपने 10th क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स स्कोर किए, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसकी एवरेज निकाल दी, तो आपको पता चल गई आपकी परसेंटेज कितनी है. उसी तरीके से हमने तो बस ये देखना है कि जितने पॉसिबल केसेस हैं सबको चेक किया, सबके अंदर जितनी बार रन हुआ उनको ऐड किया, हर जितनी बार टेस्ट किया उससे डिवाइड किया, तो ये क्या निकलेगा, एवरेज. अब ये इंटरेस्टिंग है सर, तो एवरेज कितनी आएगी यहाँ पर, इट विल बी एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई एन. ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये फॉर्मूला मैं आपको करा चुका हूँ. तो क्या होगा, n से n कैंसिल, तो आएगा ऑर्डर ऑफ n. तो एवरेज केस आएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ n. देखो यहाँ पर वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस मैच नहीं था, सेम नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर मैं थीटा ऑफ n नहीं लिखा, यहाँ पर मैं लिखा है ऑर्डर ऑफ n. तो ये समझने की बात है, समझो करो, आप ज़रूर कर पाएंगे, आप इंटेलिजेंट हो मैं जानता हूँ. अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या है सर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या है कि ये बताओ व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू आर यूटिलाइजिंग. तो यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस यूज हो रही है, यहाँ पर देखो हमने एक स्पेस लिया इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल आई के लिए, और हम बस उस अरे के अंदर चेक कर रहे हैं क्या हमने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया, नहीं सर. चाहे आपके पास डेटा कहीं भी मिले, चाहे डेटा आपका फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन में मिले, चाहे डेटा आपका लास्ट इंडेक्स लोकेशन में मिले, पूरे के अंदर डेटा कहीं पर भी मिले, आप डेटा कहीं पर भी हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में होगी ओमेगा ऑफ वन, वर्स्ट केस में होगी ऑर्डर ऑफ वन, तो एवरेज केस में होगी थीटा ऑफ वन. तो ये हमें कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेगा, तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी थीटा ऑफ वन. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट. ये तो इजी था सर, ये बहुत ही इजी था सर, डिफिकल्ट नहीं है. बाइनरी सर्च. अब बाइनरी सर्च कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. देखो बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, एक अरे आपके पास है इस तरीके से, इस अरे के अंदर कुछ लोकेशंस हैं, इंडेक्स लोकेशन 0, 1, 2, मेक इट 1, फ्रॉम इट इज़ 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन एन, पूरे अरे के पास एन इंडेक्स लोकेशंस हैं, और आपको कोई डेटा सर्च करना है. हम लिख रहे हैं बाइनरी सर्च ऑन अरे ए विद एन इंडेक्स विद एन एलिमेंट्स एंड द डेटा दैट यू वांट टू सर्च इज दिस विच इज डेटा. अब ध्यान दो, ये अरे सॉर्टेड होना चाहिए, अनसॉर्टेड नहीं हो सकता. तो अनसॉर्टेड अरे पे आप बाइनरी सर्च नहीं कर सकते, लेकिन सॉर्टेड अरे पे आप जरूर बाइनरी सर्च कर सकते हैं. तो बाइनरी सर्च टेक्निक क्या है, वो ये बोलता है कि पूरे अरे का पहले तो एक मिडल पॉइंट निकाल लो, मिडल पॉइंट निकाल लो. तो मिडल पॉइंट कैसे निकलेगा, मिडल पॉइंट ऐसे निकलेगा कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन और एंडिंग इंडेक्स लोकेशन. अब ध्यान दो, देखो इसलिए मेरे को थोड़े से चेंजेस शायद मुझे करने पड़ेंगे यहाँ पर. तो डेटा, और ये हो गया हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन, और ये हो गया हमारा एंडिंग इंडेक्स लोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट क्या है हमारे पास 1, और एंड क्या है हमारे पास n. तो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स लोकेशन आप यहाँ पर निकाल लीजिए. अब इन दोनों को निकालने के बाद आप मिड पॉइंट निकालो, तो मिड क्या हो जाएगा, मिड विल बी स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2. तो मिड पॉइंट आ जाएगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों को ऐड करो तो 1 + n / 2. और तो इसकी अगर आप फ्लोर वैल्यू लेंगे, इसकी हमेशा फ्लोर वैल्यू लेनी है, तो 1 + n / 2 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट. दूसरी चीज़, ये पूरा हम तभी कर सकते हैं बाइनरी सर्च जब एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट तो हो या दो एलिमेंट हो, तभी तो बाइनरी सर्च करने का फायदा है. तो हम पहले तो ये देख लेंगे इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, यानी कि एटलीस्ट आपके पास एक एलिमेंट तो होना चाहिए. तो लेस देन और इक्वल टू आप कह सकते हो, क्योंकि अगर स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड है तभी आप करो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते. ठीक है, इसको चेक कर लेना बाद में कि लेस देन इक्वल टू है या लेस देन है. दैट इज दैट आई एम लिविंग ऑन यू. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज आई फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंटायर अरे. मुझे पूरे अरे का मिड पॉइंट मिल गया. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि मिड पॉइंट पर जो भी एलिमेंट है, एज्यूम यहाँ पर एलिमेंट एक्स है, ये जो एलिमेंट है जिस डेटा से हमें जो डेटा हमें सर्च करना है, क्या ये इससे छोटा है क्या इससे बड़ा है.
क्यों? क्योंकि देखो सभी वैल्यूज तो हमारे पास सॉर्टेड है, वैल्यूज जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, तो हर एक डेटा हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ये जो डेटा है, अगर ये डेटा हमारे डेटा से बड़ा है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 3 सर्च करना है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 है, तो अगर ये वाला डेटा हमारे डेटा से, ये वाला डेटा हमारे डेटा से बड़ा है, तो यानी कि जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ ए ऑफ मिड, अगर ये वाला जो डेटा जो मिड में है इज़ ग्रेटर देन जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं, अगर ये वाला डेटा हमारे डेटा से बड़ा है तो आप इसके लेफ्ट साइड में सर्च करो, तो वही फंक्शन परफॉर्म कर दो, यानी कि इसी रिकर्सिव फंक्शन ऑफिसर कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च ऑन ए डेटा स्टार्ट एंड मिड, तो यानी कि अब मिड माइनस वन, यानी कि अब इस वाले हिस्से में आप सेम बाइनरी सर्च परफॉर्म कर दो, समझ आ रहा है? अगर ये वाला डेटा, एल्स इफ ए ऑफ मिड, अगर मिडल पॉइंट वाला जो डेटा है वो हमारे डेटा से छोटा है, यानी कि अगर हमें एज्यूम 10 सर्च करना था और ये वाली वैल्यू है 6, तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में तो हमारा डेटा हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट में सर्च करना है कि इस वाले पार्ट में वो डेटा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, बहुत ही ईजी है सर, डू बाइनरी सर्च ऑन दैट पार्ट, तो बाइनरी सर्च ए मिड +1 +1 कॉमा एंड कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे, बेटा हमने बाइनरी सर्च कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो मुझे ना मजाक करने की थोड़ी सी आदत है, अगर जनरली मैं क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मजाक भी करता हूँ, जोक्स भी मारता हूँ, फनी भी रहता हूँ, सीरियस भी रहता हूँ, थोड़ा सा ना ऐसा करने से क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं पसंद आए, अगर आप बोले कि सर प्लीज़ इतना जोक मत कीजिए, हम बहुत बोर हो रहे हैं, आप बहुत पीजेस मारते हो, बहुत पुअर जोक्स मारते हो, तो मुझे बता दो, तो अगर बोलते हो कि मैं जोक्स मारूं लेकिन मैं बहुत पीजे मारता हूं, तो कुछ जोक्स की तैयारी कर लूँगा, लेकिन अगर आप बोलते हो कि जोक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मुझे प्लीज़ बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं अगले आने वाले किसी वीडियो में जोक्स करूँगा ही नहीं, सीरियस होके पढ़ाने लगूंगा। लेकिन जोक्स करने से मुझे लगता है कि ना जो कॉन्टेंट है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, आपको भी मज़ा आता है और मुझे पढ़ाने में ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो ए मिड प्लस वन और एंड, और जो भी डेटा हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक और पोजीशन डेटा। ठीक है, अगर ना तो ये बड़ा है ना ये छोटा है, इसका मतलब ये हमारे डेटा से मैच करता है, तो एल्स रिटर्न मिड, कि ये जो डेटा है ना तो हमसे बड़ा है ना छोटा है, तो हम इसको मिड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, एल्स रिटर्न या फिर एल्स इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू डेटा देन रिटर्न मिड, तो आप मिड पॉइंट को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो एल्स कहीं पर भी आप डाल सकते हो कि रिटर्न माइनस वन, कि हमें तो मिला ही नहीं डेटा, ऐसा कुछ कंडीशन आप इसमें डाल सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हम रिकर्सिव कॉल्स कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अब आपको मेरी जो दूसरी कहने वाली बात है वो भी आपको ज़रूर समझ में आएगी, वो कैसे हम कहेंगे। देखो अगर इस पूरे अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे अरे के अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो कैन यू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बाइनरी सर्च, तो कैसे करेंगे। देखो अगर n एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई लूपिंग नहीं है, सब रिकर्सिव कॉल्स है, तो एक रिकर्सिव कॉल हमारे पास यहाँ पर हो रही है और एक रिकर्सिव कॉल यहाँ पर हो रही है, और बाकी सब जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टेंट टाइम लेगी, वो किसी भी लूप के अंदर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखो टाइम टेकन टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एन एलिमेंट्स, यहाँ पर हम टोटल एन एलिमेंट्स के लिए पास करेंगे, 0 से लेकर 1 से लेकर एन तक, तो टाइम टेकन टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एन एलिमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, इस स्टेटमेंट को करने के लिए कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि बोलेगा कि जितना टाइम आपको एन में लग रहा था, अब मैंने डेटा को हाफ कर दिया, अभी बोलेगा ये स्टेटमेंट बोलेगी टाइम टेकन टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एन बाई टू एलिमेंट, क्योंकि ये छोटे हाफ यानी कि इस वाले हाफ के अंदर ही बाइनरी सर्च कर रहा है। अब इस वाले स्टेटमेंट को भी कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, अब ये बोलेगा कि मैं बड़े हाफ यानी कि उस वाले हाफ में बाइनरी सर्च परफॉर्म करूंगा, तो ये बोलेगा कि मुझे भी टाइम लगेगा एन बाई टू। तो या तो ये स्टेटमेंट होगी या ये स्टेटमेंट, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, आइदर दिस और दिस बट नॉट बोथ, ध्यान रखना, या तो ये या फिर ये, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स नहीं होगी, उसके अलावा ये वाली स्टेटमेंट भी एट मैक्सिमम कॉन्स्टेंट टाइम ही लेगी। तो टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है सर, तो टोटल टाइम लगेगा टाइम टेकन टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम, वन कॉन्स्टेंट टाइम टू परफॉर्म दिस 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 और दिस कंपेरिजन, तो एक कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा
plus time taken to perform binary search, either हम या तो हम इसको execute करेंगे या फिर इसको plus time taken to perform binary search on n by 2 items. I hope आपको समझ में आया होगा ये recursive relation कैसे आया. नहीं आया तो बता देना, but मुझे लगता है आपको समझ में आया, ठीक है, कि time taken to perform binary search, अगर आप n element of binary search perform करते हैं तो उसमें जितना time लगेगा वो किसके equal होगा, कि एक half में binary search perform करने के equal और एक constant time इन सभी calculations को करने के लिए. अब आपके पास ये recursive relation आपको मिल चुका है, लेकिन termination condition क्या है कि अगर आपके पास एक ही element है या फिर आपके पास zero elements है तो उस केस में हमारे पास binary search के लिए total c time लगेगा, यानी कि constant time. Constant time का मतलब है it is order of 1. तो जहाँ पर भी हमारे पास c है इसको हम change करके यहाँ पर order of 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि order of 1 as a time. अगर आप इस recurrence relation यानी कि इस recursive relation को solve कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि binary search में कितना time लगेगा. अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं रब करता हूँ और इसको रब करके मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम हमारे पास लगने वाला है. कितना टाइम लगेगा सर बता दो, सर बताओ ना सर कितना टाइम लगेगा. सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो सर, कितना टाइम लगेगा सर. देखो तो रिकर्स रिलेशन क्या है, टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू प्लस वन. ये सी के लिए मैंने वन जोड़ दिया, ये कॉन्स्टेंट टाइम है. तो टाइम देखो सर कितना लगेगा. अब एक टर्मिनेशन क्या है कि अगर टी ऑफ जीरो है या फिर कहो टी ऑफ वन है, यानी कि आपके पास एग्जैक्टली सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस केस में हमें ऑर्डर ऑफ वन यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम यहाँ पर लगने वाला है. अब देखो इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं. एक तरीका है हमारे पास बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन. आप इस रिकरेंस रिलेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा तरीका है बाय यूजिंग मास्टर्स थ्योरम. आप इसको मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा तरीका है कि आप इसके लिए रिकर्सिव ट्री बना के देखिए, रिकर्सिव ट्री बनाकर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किए. चौथा तरीका है जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फॉर्मूला है टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन, आप उनसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं हर एक चीज़ आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बैक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूशन ही इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. बाकी जो मास्टर्स थ्योरम है ये एक शॉर्टकट है. रिकर्सिव ट्री आप किसी स्पेसिफिक मेथड में ही यूज़ करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें, और रिकरेंस रिलेशन जो है वो मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे. लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर कई क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा, ऐसी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊँगा कि वो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. अब देखो सबसे पहला रेकरेंस रिलेशन है टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन. तो ये क्या है हमारे पास, टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन. अब इस केस में हमें टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी. यहाँ पर जहाँ पर भी n था उसकी जगह पर n बाई टू पुट कर देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी ऑफ एन बाई टू इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू बाई टू प्लस वन, जो कि आएगा टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस वन. ये किसकी वैल्यू है, टी ऑफ एन बाई टू की. अब जो आपके पास टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू निकली है उस वैल्यू को इसके अंदर सब्सिट्यूट कीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस वन प्लस वन. तो प्लस वन कौन सा, एक तो ये वाला, ये प्लस वन कौन सा, ये वाला. तो आपने ये निकाल दिया तो आएगा आपके पास टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस टू. तो ये निकली आपकी टी एन की वैल्यू. अब टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है, कैसे करेंगे, ओरिजिनल रिलेशन में एन की जगह पर एन बाई टू पुट कर दूँ तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एन की जगह पर एन बाई टू पुट करोगे तो क्या आएगा, टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर बाई टू प्लस वन, तो ये वाला वन प्लस टू ये वाला टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी ऑफ एन बाई टू क्यूब प्लस थ्री. ये है हमारे पास टी एन की वैल्यू. अगर आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड करते चले जाओगे, सर ध्यान देना बेटा ध्यान देना, ये क्या होगा हमारे पास, लास्ट क्या होगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाय टू रेज टू पावर के प्लस के. आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाओगे तो ऐसे एक्सटेंड होता ही जाएगा, जैसे रबड़ होती है ना, जितना खींचते चले जाओगे रबड़ खींचते चले जाएगी, ये उतना ही एक्सटेंड होता चला जाएगा. लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन क्या है कि अगर टी ऑफ वन आता है तो हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ वन, टी ऑफ वन आएगा तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन. तो हम ये चेक करेंगे कब तक खींचेगा, जब तक ये जो टर्म है वन ना बन जाए. लेकिन ये टर्म वन कब बनेगी, ये टर्म वन कब बनेगी, तो लेट टू रेज टू पावर के इज इक्वल टू एन, ठीक है. तो उस केस में के की वैल्यू कितनी है, तो के बनेगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा लॉग टू रेज टू पावर के बेस टू इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू.
तो इस के को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा के इंटू लॉग टू बेस टू इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू, जो आएगा के इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू। तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास लॉग एन बेस टू। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो यह आएगा टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई एन प्लस के की जगह आएगा लॉग एन बेस टू। तो आएगा आपके पास टी ऑफ वन प्लस लॉग एन बेस टू, जो कि आएगा ऑर्डर ऑफ वन प्लस ऑर्डर ऑफ लॉग एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन ओनली। तो इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है, इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है वो कितनी निकली है सर, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। कितनी निकली है सर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब देखो बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, अब तीनों केसेस को लो और बता दो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी। बेस्ट केस का मतलब है डेटा सर्च किया और पहली बारी में आपको मिल गया, ये होगा हमारा बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ वन। वर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, वर्स्ट केस में टाइम लगेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और एवरेज केस में टाइम कितना लगेगा कि हर एक चीज़ का, हर एक केस लो और उसका बताओ, हर एक केस में चेक करो कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग फोर प्लस लॉग फाइव प्लस लॉग समथिंग करके आप हर एक केस को लो और उसको एवरेज करो। तो एवरेज केस कितना होगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो कितना लगेगा, लॉग वन। अगर आपके पास दो एलिमेंट है तो लगेगा लॉग टू। अगर आपके पास तीन एलिमेंट है अरे में तो लॉग थ्री। तीन एलिमेंट नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि पूरे अरे के अंदर जब आप सर्च कर रहे हो, ये दूसरी बारी में डेटा मिल गया, ये तीसरे में डेटा मिल गया, मतलब जितने एलिमेंट्स है ठीक है, तीसरी बार में डेटा मिला एक्चुअली, ये है कि तीन बार सर्च किया ऐसे ही। उसी तरीके से लास्ट में लॉग एन, सबको एन से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास ये सारे केस। तो इसको करेंगे तो लॉग वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर अप टू सो ऑन एन, ये हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगाई, इसको एन से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन लॉग एन डिवाइड बाई एन, एन से एन कैंसल तो आएगा आपका लॉग एन। तो एवरेज केस में भी जो ये पूरा फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेगा। तो बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ वन, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगा, देखो जितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। अब बेस्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस में पहली रिकर्सिव कॉल में आपको डेटा मिल जाएगा तो उस केस में हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ वन। वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पूरे अरे को आपने सर्च किया, तो पूरे अरे को सर्च किया तो बार बार हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी होंगी हमारे पास, टोटल लॉग एन रिकर्सिव कॉल्स होंगी। तो लॉग एन रिकर्सिव कॉल्स होंगी तो हर एक रिकर्सिव कॉल्स को आप स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे तो आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और एवरेज केस भी क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आई नो कि आपको सच समझ नहीं आया होगा कि सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हवा में उड़ा दिया, ज़्यादा स्पीड से करा दिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे और स्लो डाउन करना चाहिए और थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। बट एनीवेज ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जांपल ही इतना इजी था कि मुझे पढ़ाने में बहुत इजी लगा तो मैं फटाफट स्पीड से करा दिया। बट एनीवेज आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं और जो रिकर्सिव फंक्शन है थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। पूरे सब्जेक्ट में सर, पूरे सब्जेक्ट में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालने वाले हैं, तो इसी वजह से सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो हम पूरे सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एल्गोरिथम लिखेंगे हर जगह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो मैं गारंटी है मेरी कि जब आप सब्जेक्ट को एंड करेंगे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ना, अब बोलेंगे सर एक छोटा बच्चा फिफ्थ क्लास का बच्चा भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर सकता है। तो इतना आसान मैं इसको करा दूंगा और आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है आगे आने वाले सब्जेक्ट में। अब ध्यान दो, इस समय पर हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं इसके अलावा एक और फॉर्म होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की, जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अमोर्टाइज्ड। तो जहाँ पर मुझे अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। जैसे कि जब हम हैश टेबल्स पढ़ते हैं, हैशिंग पढ़ते हैं, तो हैशिंग के केस में हम उसमें इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनालिसिस हम उसमें करते हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या होती है वो आपको बताऊंगा जब भी इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन इस समय पर हमें बस यही जानने की ज़रूरत है। तो आगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा इस तरह के, तो इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पर इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ा सा छोटा हो गया पहले वीडियो से, थोड़ा सा मैं स्मॉल साइज़ का बनाया है, लेकिन ये वाला जो वीडियो है मैं इस पॉइंट पर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके और ज़्यादा एग्जांपल्स लेने वाला हूँ रिकर्सिव फंक्शंस के, और रिकर्सिव फंक्शंस को सॉल्व भी करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मास्टर्स थ्योरम क्या होती है, अगर आपको मास्टर्स थ्योरम पता है क्या होती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो
उसके लिए मुझे आपको कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी करानी पड़ेगी, जैसे जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सबके एनालिसिस करेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की भी एनालिसिस करेंगे, तब आपको प्रॉपर समझ आएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कहते हैं। मैं थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ाया है मुझे पता है, बट आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा और स्लो से पढ़ाऊँगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।